गाइस बहुत दिनों से मैं मम्मी से जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग करनी है, मुझे कुछ बनाना सीखना है, मुझे बस कुछ भी बनाना है, एक बार ट्राई करके देखना है कि कुकिंग में कैसा मज़ा आता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, आज संडे भी था तो गुलाब जामुन मम्मी ने कहा मैं बनाऊंगी, तुम आ जाना। तो फिर कल बनाने का प्लान था बट कल पनीर नहीं आ पाया, अनफॉर्चुनेटली पनीर ख़त्म हो गया था जिस शॉप से हम मंगवाते हैं। तो फिर हमारा प्लान हुआ कि आज सुबह पनीर आ जाए, और पनीर सुबह जल्दी आ भी गया, मंगवा लिया था, कल ही रात को ऑर्डर कर दिया था। और आज सुबह आने के बाद अब मम्मी ने सुबह उठ के मुझसे कहा कि हेल्प करवाओगे, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करवाएंगे, बनाएंगे कुछ ना कुछ जैसा जो बन जाए। मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत रफ आइडिया दे दिया था कि क्या करना है मुझे, और मैं जानता था थोड़ा बहुत, मैं देख लिया था यूट्यूब पर वीडियो वगैरह मम्मी के साथ ही, कि उसमें मुझे कुछ डो बनाना है, मैश करना है उसको और फिर उसके गोल बनाने हैं। तो फाइनली किचन में तो आ चुके हैं, अब देखते हैं कि हमारा काम क्या है, क्या टास्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं। तो गाइस आज फाइनली ये काम भी अपना ही लिया, इतने दिन से मेरा शौक था कि मैं एक ना एक दिन कुकिंग करूँगा, मगर कभी मम्मी की गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, कभी स्कूल की छुट्टी नहीं मिल पाती थी। तो आज सोचा आज फाइनली किचन में हाथ मारी लो, सीधे स्टार्टिंग कर रहा हूँ गुलाब जामुन से। तो अभी ये डो बनने में लगभग कितनी देर लगेगी, 15-20 मिनट अभी और लगेंगे इतने डो और अभी मैशअप करने में। तो उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। फाइनली अब डो भी प्रिपेयर हो चुका है, और अब मेरा टास्क है जो मम्मी द्वारा दिया गया है, मुझे इसके ऐसे छोटे छोटे करके बॉल्स बनानी है, और मम्मी इन बॉल्स को चाशनी में डाल के गरम करके गुलाब जामुन बना देगी, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से। ये फाइनली अभी इतने गोले तो बन चुके हैं, और अभी लगभग इतना ही आटा और बचा है, तो जितने बने हैं उनमें से आधे तो यहाँ पे सेक रहे हैं, मम्मी सेक रही हैं, और बाकी ये संग के संग चाशनी भी बनती जा रही है, ये सिकते भी जा रहे हैं, और मैं साथ साथ ही डो तो मैश मैं कर चुका था, तो अब बस डो से ये गुलाब जामुन बना। अब लगभग इतने इसके डबल और बनाने हैं, तो बनाते हैं जल्दी से। गाइस मुंह में पानी आ रहा है, मतलब एक तरफ मैं बनाता भी जा रहा हूँ प्लस मेरा खाने का भी मन कर रहा है, पर ये इतने अभी गर्म है ना इसलिए अभी खा भी नहीं सकते। और बाय द वे अभी शायद इनको चाशनी में भी डुबोना है, जो मैंने आपको दिखाई थी भगोनी में चाशनी बन रही थी वो शायद उसी में शायद डूबे। तो गाइस अब फाइनली जैसा मैंने आपको बताया था कि ये डलेंगे चाशनी में, तो अब मम्मी इनको चाशनी में डाल दें, क्योंकि इन सब कामों में मैं थोड़ा नूब हूँ, मैं केवल उतना ही कर सकता हूँ जो बैठ के हो सके। बाकी देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं, बट अब थोड़ी देर में बस बन जाएंगे फिर खाते हैं। पहली बार कुछ कुक कर रहा हूँ मैं, वो भी
कोई स्वीट डिश। बचपन में बस एक बार रोटी सेकी थी, बहुत छोटी, इतनी सी, बहुत छोटी रोटी थी। और बाकी ये मम्मी कढ़ाई में इन्हें सेकती जा रही हैं और ये बन रहे हैं। तो और अब जल्दी से थोड़ा सा ये आटा और बचा है, लगभग इतना आटा और बचा है, तो अब इसका जल्दी से, इसके जल्दी से गोल बनाते हैं और फिर सेकते हैं सारे। गाइस अब इतनी मस्त खुशबू आ रही है फाइनली मेरी इतनी मेहनत करने के बाद। अब बस वो और बचे हैं थोड़े से और फिर वो भी इस चाशनी में डल जाएंगे। और मतलब जो बन गए हैं मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये कितने मस्त दिख रहे हैं ये, वाह। मुंह में पानी आ रहा है गाइस, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मन कर रहा है इसी में हाथ डाल के ऐसे निकाल के खा जाऊँ, मगर अभी ये गर्म है, अभी तो इनको टाइम लगेगा, थोड़ा निकलेंगे ठंडे होंगे उसके बाद ही खा पाऊंगा। तो अब इन्हें ढक देते हैं, बाकी ये तो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं और ये। तो गाइस फाइनली इतने दिन से मेरा मन था कुछ बनाने का, थोड़ी बहुत कुकिंग करने का, बट कभी मौका नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली गुलाब जामुन का ही मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो एक बार में सीधे गुलाब जामुन का ही मिला, बट मम्मी की गाइडेंस से काफी ठीक बन गए। मुझसे, मुझे अपने आप से इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने अच्छे गुलाब जामुन बना पाऊंगा, बट जैसा आप देख सकते हैं बस कैसे ना कैसे करके मान लो बन गए वो तो। और वो मम्मी जानती है और मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किल लगी है, काफी बार मुझसे गलतियां भी हुई, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम था। तो गाइस किचन में थोड़ी आवाज हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर आके बात कर ली जाए। तो अभी लगभग हमें एक घंटे तक रुकना पड़ेगा ताकि जो चाशनी में हमने गुलाब जामुन डाले हैं वो अच्छे से फूल जाएं, अच्छे से बन जाएं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। बाकी आपको ये फ्रेम कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस अब मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारे गुलाब जामुन का क्या स्टेटस है, वैसे बन चुके हैं तो आपको भी एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं ये लेड उठा के देखता हूँ कि हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। गाइस बन चुके हैं लगभग सारे, तो इसको हटा देते हैं और अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो गाइस अब निकाल लेते हैं एक और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है, देखने में इतना यमी है। फाइनली दो घंटे की मेहनत के बाद नसीब हुआ है, देखते हैं जो मैंने किया है इतना उसका क्या रिजल्ट निकला है। तो फाइनली टेस्ट करके देखते हैं कैसा है और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसा बना है। Let me check. फूक करके खाना पड़ेगा, ये तो गर्म होगा ना अभी। बढ़िया है गाइस, बहुत ही मस्त है, सही है गाइस, अच्छा बना है। बहुत अच्छा है गाइस, मजा ही आ गया, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कुछ बना सकता हूँ। वैसे मैंने तो काफी कम काम किया है, मेनली तो मम्मी ने किया है, बट नहीं गाइस बहुत सही बना, बहुत अच्छा बना है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग
इसी गुलाब जामुन की तरह बहुत स्वीट लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।